बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, लखीमपुर खीरी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। जी हां, दरअसल महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी के मामले पर यह कार्रवाई हुई है। सीओ और एसओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। महिला से बदसलूकी करने वाला युवक निकला निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक। जिस शख्स ने महिला से बदसलूकी की थी वो शख्स दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक था। अब फिलहाल इस मामले में ये कार्रवाई की गई है। लखीमपुर मामले में सीएम योगी का ये बड़ा एक्शन सामने आया है कि महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी के मामले पर सीओ और एसओ को सस्पेंड करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए। गाज गई है सीओ पर और एसओ पर। दरअसल महिला से बदसलूकी मामले में ये कार्रवाई की गई है। जांच के बाद पता लगा कि जिस शख्स ने महिला के साथ बदसलूकी की थी, महिला प्रस्तावक के साथ बदतमीजी की थी, वो युवक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक निकला। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में यह मामला पहुंचा, उन्होंने सीओ सस्पेंड कर दिया। अवनीश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अवनीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह सख्ती बरतते हुए, कहीं भी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, यहां तक कि अधिकारी भी नहीं, अगर लापरवाही उनकी तरफ से बरती गई, और ये इसी बात का उदाहरण। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 9 की बैठक में साफ कर दिया था कि जहां जहां भी हिंसक झड़पें हुई थी, जहां भी अराजकता का माहौल रहा है, ऐसे में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति है उसी के तहत कार्रवाई की जाए और पूरी पारदर्शिता रखी जाए। तो जो सबसे पहली कार्रवाई है वो देखने को मिली है कि लखीमपुर खीरी में क्षेत्राधिकारी और सीओ फिलहाल प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कड़ा संदेश दिया है कि किसी भी तरीके से महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान होता है, योगी सरकार में सम्मान होता है, ऐसे में अगर महिला बीडीसी के साथ अभद्रता होती है तो वहां पे पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन पूरे मामले में लापरवाह पाते हुए सीओ और एसओ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, और उन्होंने साफ किया है कि जहां जहां भी हिंसक झड़पें हुई हैं, अराजकता हुई है, जहां पे भी मनमानी हुई है, वहां पे जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और ऐसे में जो हिंसक झड़प में जो अराजक तत्व हैं उनको भी चिन्हित करने का काम होना चाहिए। तो पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी नाराजगी जताई है, और उस नाराजगी के दौरान उन्होंने साफ किया है कि पूरी तरह अराजकता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का हिंसक झड़प नहीं होना चाहिए, असलहों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनको चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो भी योगी सरकार की मंशा है उसको साफ दिखनी चाहिए। ऐसे में भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस के तहत तमाम अपराधियों पर वह कार्रवाई कर चुके हैं। ऐसे में अगर नामांकन के दौरान इस तरीके की हिंसा होती है तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर और साफ स्वच्छ छवि पेश करना चाहती है, और इस तरीके का अगर घटनाक्रम होता है तो कहीं ना कहीं वो छवि खराब होती हुई दिख रही है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, हिंसा में जो शामिल होगा उसके लिए भी कार्रवाई होगी। तो पूरी तरह एक संदेश देने की कोशिश की है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी महिला बीडीसी होंगी, जो भी महिला होगी, उसका पूरा उत्तर प्रदेश में सम्मान है। ऐसे में लखीमपुर में जब महिला के साथ बदसलूकी की गई, साड़ी खींचने की घटना सामने आई, उसको संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल सीओ और एसओ को सस्पेंड कर दिया। और सोचिए जरा, जब इस तरह की घटनाएं ब्लॉक स्तर पर हो रही है, तो फिर जब विधानसभा चुनाव होंगे उस समय क्या हालात रहेंगे? ऐसे में अगर अभी से किसी एक्शन प्लान के साथ आगे नहीं बढ़ा गया तो फिर स्थिति बद से बदतर हो सकती है, या फिर हाथ से निकल सकती है आगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में हमेशा से देखा जाता है जो भी चुनाव रहा है वो काफ़ी व्यापक तौर पे होता है, ऐसे में सभी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में पिछले चुनाव जो दशक के चुनाव हुए थे उसमें भी लगातार देखने को मिला था कि हिंसक घटनाएँ होती थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की थी, जो भी हिंसक घटनाएँ हुई उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, तो पूरी तरह एक मैसेज देने की कोशिश हुई थी कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह भयमुक्त होगा, किसी प्रकार के यहाँ अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जाना जाता था कि जो उनका एक्शन होता था काफी कड़ा होता था, और इसी का नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ी घटना नहीं हो पाती थी। तो इसको लेकर ब्लॉक प्रमुख के जब नामांकन शुरू हुए, तो नामांकन के दौरान तमाम जगह देखा गया कि समाजवादी पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए, और इसके दौरान कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें तमाम जो प्रत्याशी के प्रस्तावक हैं उनका अपहरण करने की कोशिश की, असलहे के दम पर अपहरण करने की कोशिश की गई। वहीं अगर
बात करें सीतापुर जनपद की, तो सीतापुर जनपद में साफ तौर पर देखा गया कि जब दोनों पक्ष भिड़ते हैं तो पुलिस बीच बचाव करने आती है, लाठीचार्ज करने आती है, फिर उसके बाद वहां पे गोलियां बरसाई जाती हैं और बम मारे जाते हैं। तो साफ तौर पर यह बड़ी अराजकता मानी जाती है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उनके व्यवस्था एक सुनिश्चित की जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और आने वाले जो मतदान और मतगणना है ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर वहां पे पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी जाए, सतर्कता बढ़ा दी जाए और एलआईयू पूरी अपनी रिपोर्ट सही दे ताकि किसी भी प्रकार के जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। तो पूरे स्थिति को और पूरे माहौल को सही करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है और जो भी अराजक तत्व हैं जो जिनका नाम सामने आया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश जारी कर दिए। बहुत शुक्रिया आपका अवनीश कुमार इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महिला प्रस्तावक के खिलाफ जो बदतमीजी हुई थी उस मामले में सीएम योगी ने ये बड़ा एक्शन लिया है, वहां के सर्कल ऑफिसर को और एसओ को दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।